ये लोग आए हुए हैं, अभी देखते रहेंगे अभी। एक बार फिर से बड़ा वाला चूल्हा बना दो। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम आ चुके हैं हमारे फरुखाबाद के पिंक सिटी में, अपन आ चुके हैं और करते हैं जल्दी से एंट्री। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है हमारा पिंक सिटी और हमारे जो फरुखाबाद के क्रिश्चियन ग्राउंड में लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भाई एंट्री सिर्फ बड़े लोगों की है, इनकी, वैभव की, अनन्या की और कृष्णा की, कोई भी एंट्री फीस नहीं लगी है। तो सिर्फ बच्चों की ही एंट्री आएगी और एंट्री फीस भी सिर्फ 20 रुपीज़ है। और हम 6 लोग आए हुए थे तो हमारी एंट्री फीस टोटल हो गई 120 रुपीज़। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे टॉयज़ की दुकान है और आगे वही सेम हमारे पिछला वाला कौन सा फेयर था यार, दुबई फेयर की तरह सेम यहाँ पर बहुत सारे बैग्स की दुकान हैं, कपड़े हैं और टॉयज हैं, मेन चीज़ तो यही है। तो पूरा मस्त अच्छे से रहेगा और कंपेयर भी करेंगे हमारा जो दुबई वाला फेयर था और हमारा ये जो पिंक सिटी है, तो दोनों में से बेटर कौन है या फिर कह सकते हैं कौन सा ज़्यादा एक्साइटिंग था। तो कहाँ पर ये लोग आए हुए हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से चल रही है और ये लोग बैग्स पर अटक गए हैं, आप तुम देख सकते हो भाई, अभी देखते रहेंगे अभी आगे चलो। तो बैग वगैरह बहुत बढ़िया है, तुम देख सकते हो, ठीक है। तो बैग वगैरह इन लोगों को बढ़िया लग रहे हैं, देखो ये यूनिकॉर्न वाला है। चलो देखते रहेंगे, आओ आगे चलते हैं। तो तुम देख सकते हो भाई यहाँ पर चंदन फेस पाउडर, ये नई शॉप है, ये वाली शॉप पहले नहीं थी। और यहाँ पर वही रेगुलर शॉप्स हैं हमारी क्लोथ्स की, मेरे पीछे देख सकते हैं वहाँ सारे। और भाई साहब फिर से बादाम और आंवला का अचार और भाई साहब चूरन की गोली। और यहाँ पर ये थोड़ी सी कह सकते हैं, वैसे यार बहुत खाली खाली है, तो ठीक है जो भी है, खाली खाली बहुत ज़्यादा है दुबई वाले की कंपेरिजन में। यहाँ पर देखो भाई ये गेम भी है, तो गेम्स भी खेलेंगे बट ये वाला गेम नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे भाई। पिछली बार सही बताऊँ इतना गंदा स्कैम हुआ, उसने कहा भाई 50 रुपये लगाओ जरूर जीतोगे, और मैंने 50 रुपये लगा के और भाई सब उड़ा भी दिए 50 रुपये, बट यार वही लक नहीं था तो स्कैम हो गया। बाकी यहाँ पर एक और ये श्री राधे घर संसार महासेल, भाई गाने चालू हो गए। ट्रेम्पलिन भी है देख सकते हो भाई, भाई वो नहीं आना चाहिए, क्लेम नहीं आना चाहिए यार कॉपीराइट वगैरह, भाई साहब ट्रेम्पलिन देख रहे हो तुम, कौन सा झूलना है तो भाई ये वाला झूला है कि इसे मिक्की माउस कहते हैं। और भाई साहब हम तो बहुत ही ज़्यादा अपने बचपन में झूलते थे, तो भाई अब लोगों को भी झुलाते हैं। तो क्लियरली भाई सही बताऊं तो बहुत ही ज़्यादा महंगा मुझे ऐसा लग रहा है इन कंपैरिजन टू दुबई वाला मेला या दुबई वाला फेयर हमारा दुबई कार्निवल, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दी गई हैं। पार्किंग वो भी 20 रुपये, ठीक है, टिकट वो भी 20 रुपये, एंट्री फीस जो भी है ठीक है, वो सब तो ठीक है नॉर्मल है, बट तो यहाँ पर ये छोटे मोटे नॉर्मल हमारे ट्रैम्पोलिन वगैरह भी, पिछली बार आई थिंक हमने पे किए थे 10 रुपये पर पर्सन, बट इस बार तुम देख सकते हो। तो पिछली बार हमने पे किए थे 10 रुपीज़ पर पर्सन, लेकिन इस बार तुम देख सकते हो भाई
यहाँ पर पे करने पड़ रहे हैं हमें 20 रुपीज़ पर पर्सन ट्रैम्पोलिन पे, और मिक्की माउस वाला इस पर भी हमें जाने के लिए, स्लाइड पे जाने के लिए कम रुपए देने पड़ रहे थे। We also found भाई सिस्टम चल रहा है भाई, देख सकते हो भाई वो भी है जिससे मैं ज़्यादातर डरता हूँ, ठीक है सेल्फी बूथ भी है तो देखेंगे। भैया चाचा यार इन लोगों को मेरे ऊपर छोड़ गए हैं और गायब हो गए हैं, देख लो ये सब तो मस्ती कर रहे हैं लेकिन मैं यहाँ बाहर खड़ा हूँ और बाहर कोई नहीं है मेरे पास। चाचा जी गायब हो गए हैं और ये लोग आए हुए थे प्रांसी वगैरह और डॉली वगैरह देवानी वगैरह सब गायब हो चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पर आसपास नहीं है एंड आई डोंट नो किधर गए हैं, मैंने देखा भी नहीं क्योंकि मैं इन लोगों की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। भाई इनके मज़े हैं, मेरे टाइम पे ट्रैम्पोलिन था बट किसी कारणवश मैंने ट्रैम्पोलिन में नहीं झूल पाया कभी यार, अब तो बाय करेंगे ट्रैम्पोलिन तभी झूलेंगे, ठीक है बड़ा वाला मैक्सिमम साइज का है, ये भी बड़ा है ठीक है। तो भाई मौत का खेल ये रहा और ये सब लोग मेरे हाथ पे छोड़ दिए गए हैं, ये रहा मौत का खेल जो कि अपन नहीं करने वाले हैं क्लियरली, ठीक है तो देखते हैं बाकी। और ये तो बढ़िया है, ये सब चीज़ बढ़िया है। भाई अभी आए ये लोग, मुझे अकेले छोड़ गए थे यार, ये देखो भाई खरीद भी लाए हैं, देख रहे हो बच्चे मेरे पास छोड़ दिए हैं और खरीदारी चल रही है, देख रहे हो ये लोग शॉपिंग करना भी जरूरी होता है छोटू साहब। बताइए गाइस मुझे ये रिस्क लेना चाहिए, सब लोग नो कर रहे हैं ना, आप लोग कमेंट में बताओ कि मुझे ये झूला झूलना चाहिए या नहीं झूलना चाहिए। नहीं झूलना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा है। बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है, मतलब मैंने भाई इनमें से कुछ भी मिलेगा लेकिन क्या फायदा, मैं 10 रुपए का बाहर से खरीद लूंगा, मैं 10 रुपए का बाहर के खरीद लूंगा। भाई बच्चा बच्चा थार निपटा रहा है, भाई भाई बच्चा थार लेके भाई ठोक दी, भाई देख रहा स्वैग, देख रहे स्वैग देख रहे हो भाई सलमान खान बन रहा था भाई, अभी मेरे को ठोक देता बच गए थोड़ा सा, ठीक है। भाई साहब ये भी है, ये सिस्टम भी है भाई, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इस बार ये भी होगा, और पिछली बार था आई थिंक, आई डोंट नो पिछली बार था या नहीं था बट इस बार झूले वगैरह तो अपडेट हुए हैं, सही है झूले वगैरह तो अपडेट हुए हैं और बहुत सारे हैं, ठीक है वैरायटी है, तुम झूल सकते हो मज़ा आएगा तुम्हें और ठीक है मतलब कंटेंट मिल जाएगा। इस बार ये नहीं है जैसे कपड़े भरे हुए हैं, पिछली बार बहुत सारी कपड़ों की दुकानें थी और खिलौनों की भी बहुत सारी थी, तो इस बार मतलब मेंटेन किया है, ज़्यादा कपड़े भी नहीं हैं और ज़्यादा वैसा भी नहीं है, कंजेस्टेड नहीं फील होगा या कह सकते अभी उतनी भीड़ नहीं आई है। यार ये लोग गए किधर, मुझे दोबारा से अकेला छोड़ गए, हो रहा है दिख गए मुझे ऐसा लगा था कि मुझे अकेला छोड़ गया बट ऐसा नहीं है, सामने ही कर रहे हैं ठीक है, तो देख रहे हैं फिर से ये क्या देख क्या, नहीं 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 चलो फिर चलते हैं, पसीना पसीना हो चुके हैं भाई, तुम देख सकते हो भाई सिस्टम सब है, वाओ ये नहीं था भाई पिछली बार तो
ठीक है, मतलब सही है चीज़ें। ये वाला सिस्टम पिछली बार नहीं था, ठीक है, जो हमारा दुबई कार्निवल था उसमें नहीं था ऐसा फोटोग्राफ वगैरह वाला, तो ठीक है, अच्छी बात है, मस्त अंदर जा सकते हो और फ़ोटो खिंचा सकते हो यहाँ पे। बाकी बॉम्बे बेस्ट फ्रूट जूस जूस वगैरह पिछली बार थे नहीं थे तुम कमेंट में बताना, मुझे याद नहीं है। ठीक है, सॉफ्टी वाली भी दुकानें हैं, ठीक है, अच्छी खासी है क्वांटिटी, मतलब एक पीछे थी और एक ये है और एक आगे भी है, और बाकी भेल वगैरह थी पिछली बार भी, जूस भी थे, और यहाँ पर बाकी वैरायटी भी मिल जाती है फूड में, मिल जाएगी, मतलब ठीक है, छोले भटूरे वगैरह वगैरह सब है। तो कोल्ड ड्रिंक भी इस बार ये है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी यहीं पर है, पिछली बार आई डोंट नो था या नहीं था। और भाई साहब छपरी सेल्फी पॉइंट तो ये भी है जो कि पिछली बार भी था, सेम चीज़, ठीक है, अच्छी है। तो आई थिंक इतना ब्लॉग ठीक रहेगा, ठीक है, बाकी एक्सिट लेने का टाइम तो है, बट यार ये लोग वापस फंस गए हैं फिर से, यार लोगों को ले आना यार इतना आसान भी नहीं है। भाई सिस्टम तो है, इन लोगों का जाने का मन नहीं भाई, अभी पीछे रुक गए थे फिर से रुक गए हैं और बस। प्रेस 3 का सलमान खान तो ये बहुत मुश्किल था इन लोगों को आगे बढ़ाना भाई, बड़ी मुश्किल से दुकान से लेकर आए हैं, ठीक है, और ये लोग मान ही नहीं रहे थे, तब बड़ी मुश्किल से इन लोगों को राजी किया है कि भाई अब घर पे चलना है भाई। हाँ टाइम भी हो रहा है, चलो चलें। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा है और मज़ा आया ब्लॉग में, और अगर आप हमारे सिटी के आसपास है, ठीक है, और हमारी सिटी में अगर हैं तो विज़िट कर सकते हैं अभी फ़िलहाल हमारे पिंक सिटी को। और भाई एग्ज़िट भी बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ चुका है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भाई साहब वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय किसी और ब्लॉग के साथ। और थोड़ा सा वेट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा लेट हो जाता है हमारा ब्लॉग कभी कभी ऐसा होता है कि एडिटिंग में टाइम लग जाता है या हम शूट करने के लिए लोकेशन सही ढूंढ नहीं पाते हैं, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम जाने वाले हैं घर, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये लोग माने नहीं, छपरी पॉइंट पे खिंचा के फोटो कहते आई ली, अब चलते हैं वापस। पता चले मुझे साफ सुबह सुबह ये क्या हुआ, मुझे साफ हो भाई, आग लग गई। रिएक्शन बिहाइंड द सीन्स कैसा था? बोला भाई सिस्टम तो बड़ा आग वाला था।